दोस्तों, तकनीक के मामले में जापान की बराबरी करना शायद ही किसी देश की बस की बात है, क्योंकि जापान ऐसी तकनीकों को विकसित करने के लिए जाना जाता है जिसके बारे में अक्सर दुनिया सोच भी नहीं सकती। जैसे कि जापान ने ये कहा है कि वह आने वाले भविष्य में चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने वाले है। जरा सोच कर देखिए जापान तकनीक के मामले में कितना ज्यादा विकसित हो चुका है कि वह इस तरीके की बातों को सोच भी सकता है, क्योंकि चांद तक बुलेट ट्रेन चलाना कोई आसान बात तो नहीं है और ऐसी चीजें केवल जापान में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी तकनीक है जिसमें जापान विश्व के हर देश से आगे है और इस तकनीक के दम पर जापान हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सामना कर सकता है। ये तकनीक है रेलगन। दोस्तों, रेलगन की तकनीक में जापान सबसे आगे चल रहा है और जापान का मानना है कि इस तकनीक की वजह से वह हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि रेलगन से जो प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है वह हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने टारगेट से टकराता है। इसीलिए जापान का ये मानना है कि वह रेलगन तकनीक को हाइपरसोनिक मिसाइल के डिफेंस सिस्टम के साथ साथ हमला करने के लिए भी विकसित कर सकते हैं और इस क्षेत्र में जापान सबसे आगे है। वहीं पर दोस्तों, जापान की यही तकनीक अब भारत के पास भी आ चुकी है। रेलगन तकनीक को विकसित करने के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। यहां तक कि भारत ने तो आज से कई साल पहले ही, यानी कि साल 1994 में ही अपना पहला रेलगन बनाकर टेस्ट भी कर लिया था। भारत का बनाया हुआ यह पहला रेलगन DRDO ने बनाया था। यह 240 किलो जोल के कैपेसिटर बैंक के साथ आता था, जो कि 5 किलोवाट की शक्ति पर काम करता था और यह 3 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम के प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन की तरफ फेंकने में सक्षम था। यानी कि भारत अपना हाइपरसोनिक रेलगन साल 1994 में ही विकसित कर चुका था। वहीं पर अब भारत अपनी इसी तकनीक को और ज्यादा सक्षम और बड़ा कर रहा है, क्योंकि 3 ग्राम के प्रोजेक्टाइल से हम दुश्मन को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत ने अपनी रेलगन की तकनीक को और ज्यादा विकसित करने के लिए एक नए रेलगन का निर्माण किया है और उसका टेस्ट भी किया है। ये टेस्ट भी DRDO द्वारा किया गया था। इस टेस्ट में भारत के द्वारा विकसित किए गए रेलगन ने 12 mm के प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से फेंका, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता थी, क्योंकि 12 mm का प्रोजेक्टाइल उतना ही बड़ा होता है जितना एक मशीन गन में गोली का साइज होता है। यानी कि अगर भारत चाहे तो एक मशीन गन बना सकता है जो कि रेल गन हो, यानी कि एक रेल गन से बनी हुई मशीन गन, और ये हथियार कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 12 mm की रेल गन को विकसित करने के बाद अब भारत 30 mm की रेल गन के ऊपर काम कर रहा है। ये रेल गन 30 mm के प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से फेंकने में सक्षम होगी। आपको बता दें कि 30 mm का प्रोजेक्टाइल काफी बड़ा होता है और इसके इस्तेमाल से दुश्मन के तोप जहाजों को नष्ट किया जा सकता है। भारत रेलगन की तकनीक में काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि ये बेहद ही सक्षम और शक्तिशाली हथियार होने वाला है। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि रेलगन कैसे काम करता है और आखिर क्यों ये आम आर्टिलरी या बंदूक की गोलियों से या फिर मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और अच्छा हथियार क्यों है। रेलगन एक ऐसा हथियार होता है जो कि प्रोजेक्टाइल को दूर तक फेंकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है और ये प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के ऊपर फेंक सकता है। इसके लिए रेलगन को किसी भी तरीके की बारूद की जरूरत नहीं पड़ती और जो ये प्रोजेक्टाइल होता है ये भी धातु का एक गोला ही होता है, जिसके अंदर कोई बारूद या फिर धमाका करने वाला पदार्थ नहीं होता। वह अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर ही इतना खतरनाक होता है कि किसी भी टैंक या नौसैनिक जहाज को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। रेलगन प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से फेंक सकता है और इसके लिए किसी बारूद की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है दोस्तों कि यह हथियार काफी ज्यादा सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए। आपको पता होगा कि अगर हम आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम आर्टिलरी के गोलों को भी साथ ले जाना पड़ता है। इन शेल्स के अंदर बारूद भरा होता है, इसीलिए एक छोटी सी गलती भी इन गोलों को फटने के लिए मजबूर कर सकती है, जिसके बाद वहां मौजूद सैनिकों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आम आर्टिलरी के गोले काफी महंगे भी होते हैं, इन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखना आसान नहीं होता। वहीं पर इससे अगर हम रेलगन के प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो वे केवल धातु के गोले होने की वजह से उनके अंदर फटने का किसी भी तरीके का डर नहीं रहता। एक साथ आप हजारों ऐसे प्रोजेक्टाइल को इकट्ठा करके रख सकते हैं और पूरी तरह से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेलगन मौजूदा समय में एक काफी अच्छा हथियार है और इसे विकसित करने के लिए विश्व में बहुत ही कम देशों के पास क्षमता मौजूद है, जिसमें से हमारा भारत भी एक है और भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ इस रेलगन को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों की इसी मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।